नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज टुडे। अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन के तत्वाधान में हरिद्वार में रविवार शाम मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दौरान देश भर से एकत्रित होकर मुल्तानी समाज के लोगों ने 112वीं मुल्तान जोत बैंड बाजों के साथ माँ गंगा में विसर्जित की। रविवार सुबह समाज से जुड़े लोगों ने माँ गंगा में दूध की होली खेली। मुल्तान जोन कार्यक्रम वैसे तो 3 से 4 दिन हरिद्वार में अलग अलग स्थानों पर चलता है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम रविवार को सुबह ही शुरू हो गया था, जिसके तहत पहले ढोल बाजों के साथ मुल्तानी समाज के लोग गुलाब की होली खेलते हुए हर की पैड़ी पहुंचे। यहां पर पिचकारियों से दूध की होली खेली गई, जिसके बाद शाम के समय पूरे विधि विधान से जोत की पूजा अर्चना की गई। बता दें, मुल्तान समाज आधी रात को जोत को गंगा में प्रभावित करता है। अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन के अध्यक्ष महेंद्र नागपाल ने बताया कि एक तरफ तिरंगा यात्रा और दूसरी तरफ मुल्तान जोन यात्रा घर घर इस समय तिरंगा लहरा रहा है। समाज के लोगों ने मां गंगा में दूध की होली खेली और इसके साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय और गंगा मैया की जय के नारे लगाते हुए गंगा घाट पर पहुंचे। पहले तिरंगा यात्रा और फिर शाम को शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान लाफ्टर चैलेंज के मुख्य कलाकार विनोद बजाज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मां गंगा से हमारी यही प्रार्थना है कि हम हर साल इसी तरह यहां आकर आपकी सेवा करें और देश को कोरोना वायरस से मुक्त करें। बता दें, मुल्तान जोन महोत्सव का आयोजन साल 1911 से किया जा रहा है। बताया जाता है कि भक्त रूपचंद्र पाकिस्तान के मुल्तान से पैदल चलकर समाज के लोगों एवं शांति की कामना को लेकर हरिद्वार आए थे और हर की पैड़ी पर गंगा मैया को जोत अर्पित की थी। इसी परंपरा का अनुसरण आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मुल्तानी समाज करता है। इस अवसर पर न केवल भारत में बसे मुल्तानी समाज से जुड़े लोग, बल्कि वर्तमान के पाकिस्तान में रहने वाले बड़ी संख्या में मुल्तानी हरिद्वार आकर मां गंगा का जलाभिषेक करते हैं।